आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि इन पेज 2009 को कैसे डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और उसमें गूगल की वेबसाइट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे इन पेज फ्री डाउनलोड 2009 और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही आपके पास ये पहला लिंक आएगा, डाउनलोड इन पेज उर्दू 2009 फ्री पीसी सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखेगी www.haven32.com सॉफ्टवेयर्स के ये सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट जो है हमारे पास ओपन हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये इन पेज की एक पिक यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद आप थोड़ा और स्क्रॉल करें नीचे, यहाँ देखेंगे आपके डाउनलोडिंग लिंक है, तो ये लिखा है डाउनलोड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है IDM ये ओपन हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं 13.98 MB की ये फ़ाइल है। तो मैं इसको यहाँ से इसकी पैच चेंज करता हूँ, मैं इसे यहाँ से डेस्कटॉप की लोकेशन देके सेव करा देता हूँ और स्टार्ट डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। आप देखें ये बहुत तेज़ फास्ट जो है वो डाउनलोडिंग हो रही है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि वो डेस्कटॉप पर उसका सेटअप आ गया है, ठीक है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर यस करेंगे, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और फाइनली फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है। हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया, हम एंड में इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये सेटअप है, देखें इस फाइल में और इस फाइल में क्या फ़र्क है। यहाँ ये जो आपको आइकन दिख रहा है इसका मतलब है कि ये सेटअप फाइल है, ये इंस्टॉलेशन फाइल है और यहाँ पर ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इन पेज जो है वो ओपन हो गया है।